में उत्तर प्रदेश के सदन में मैंने मोरल ऑफ बिजली के विषय में बालू के विषय में एक मुद्दा उठाया था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछा था कि जो ओवरलोड की गाड़ियाँ चलती हैं इस पर ये आरटीओ के सेटिंग होती हैं। अभी मैंने दर्जनों गाड़ियाँ घाघरा से लेकर के अब बहराइच तक के मैंने जिनके फोटोग्राफ मैंने लिए हैं और इनकी सूचना जब आरटीओ बहराइच को और श्रावस्ती को मिली तो इन लोगों ने ट्रांसपोर्टर को फोन कर दिया और बीच में ही गाड़ियों को इन्होंने खाली करा दिया है और ओवरलोड गाड़ियों का इनका रेट 75 रुपये घन फिट इस समय मोरंग बिक रहा है, जबकि पिछले वर्ष यही मोरंग आपके बहराइच में 45 रुपये और 47 रुपये में बिकता था। ये हमीरपुर से जो गाड़ियाँ चलती हैं एक कोई समथिंग निषाद है जिनकी 150 गाड़ियाँ चलती हैं, उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, उनसे मैंने बात किया तो उनकी 150 एक भाई की गाड़ी चलती है और 150 गाड़ियाँ यहाँ बहराइच आपके गोंडा और बलरामपुर जाती हैं। पता किया और बहराइच के आरटीओ ने इनको फोन कर दिया और गाड़ियाँ ये रास्ते में इन्होंने खाली करा दिया। ओवर लोड गाड़ियाँ हमारे पास दर्जनों आपके फोटोग्राफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि बहराइच के आरटीओ, श्रावस्ती के आरटीओ, बाराबंकी के आरटीओ को तत्काल ये सस्पेंड करें, क्योंकि ये लोग आम जनमानस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। और जनता जो पिछले साल 45 रुपये घन फिट मोरंग देती थी पैसा खरीदते थे, आज वो 75 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर है।